हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई एम किरणदीप राजपूत। आज मैं आपको कलर शेड मिक्सिंग भी, कलर का कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, कौन कौन से कलर्स प्राइमरी कलर्स होते हैं, सेकेंडरी नेचुरल एंड अपोजिट कलर्स होते हैं, उनके बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए, मैंने अपना एक चार्ट बनाया था जो कि मैंने अपनी 2 इयर्स, गाइज मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 2 इयर्स का आर्ट एंड क्राफ्ट ड्राइंग टीचर का डिप्लोमा किया हुआ है। तो ये मैंने उसी दौरान मैंने ये चार्ट्स हमने बनाए थे क्लासेस के दौरान। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कौन कौन से प्राइमरी कलर्स होते हैं, कौन से सेकेंडरी कलर्स होते हैं, नेचुरल एंड अपोजिट कलर्स। मेन गाइज 3 अपने प्राइमरी कलर्स होते हैं। ये देखिए, प्राइमरी कलर्स होते हैं रेड, येलो एंड ब्लू। और ये प्राइमरी कलर में से ही हम सेकेंडरी कलर्स निकालते हैं, जैसे इनमें से ही निकलते हैं ये। जैसे रेड और येलो को जब हम मिक्स करेंगे तो ये हमें मिलेगा ऑरेंज कलर। इधर येलो एंड ब्लू को जब हम मिक्सिंग करते हैं तो हमें ये डार्क ग्रीन कलर मिलता है। और इधर रेड और ब्लू को मिक्स करते हैं तो ये हमें पर्पल कलर, मतलब लाइट वॉयलेट कलर सा हमें निकल के आता है। तो इस तरह ये प्राइमरी कलर्स में 3 कलर्स ही होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। इनमें से हम सेकेंडरी कलर्स निकालते हैं। और ये नेचुरल कलर्स होते हैं ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक और वाइट को मिक्स करके हम ग्रे कलर हमें मिलता है। और ये हमारी अपोजिट कलर्स होते हैं, जो जो भी है, ये ब्लैक हो गया, पिंक हो गया, ग्रे हो गया, ब्राउन हो गया, लाइट पिंक, कैमल कलर, और ये सारे कलर्स हैं। तो ऐसे हम मेन हमारे कलर 6 आते हैं इसमें। इनमें से ही आगे शेड्स निकलती है। ये जैसे कैमल के पोस्टर कलर हैं, ये देखिए आप, कैमल के पोस्टर कलर हैं। और इनमें ये कौन से मेन कलर्स हो गए, जैसे ये ग्रीन कलर हो गया, वाइट हो गया, येलो हो गया, रेड हो गया, ब्लैक हो गया और एंड ब्लू हो गया। इनमें से ही हम अलग अलग शेड्स, कलर की सारी शेड्स निकलती है, जो जो हमें कलर्स मिलते हैं। तो मैं कुछ शेड्स तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी कि कैसे कैसे इन कलर्स से हम दूसरे नेच प्राइमरी कलर में से हम कैसे सेकेंडरी कलर्स मिलते हैं हमें। ये देखिए गाइस, ये आपको मैं थोड़ा सा बताती हूँ कलर कॉम्बिनेशन, कलर शेड मिक्सिंग कैसे होती है। पहले हमने थोड़ा सा रेड कलर लिया है, रेड प्राइमरी कलर रेड लिया है। उसमें हम येलो मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनता है, देखिए कौन सा कलर बनने जा रहा है, ऑरेंज। अगर हमें थोड़ा सा और अपने को ऐसे रेडिश सा लग रहा है तो थोड़ा सा येलो कलर हम और मिक्स कर देंगे इसमें। तो ये देखिए कौन सा कलर मिल गया हमें, ऑरेंज कलर। रेड और येलो को मिक्स करके हमें ऑरेंज कलर मिल गया गाइस। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, देखिए ठीक है गाइस। ऐसे ही हम सारे कलर में से शेड्स निकालते हैं, इन 6 कलर में से ही बाकी के कलर्स हमें मिलते हैं। अब देखिए, येलो और ब्लू को जब मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर मिलता है हमें, येलो और ब्लू, देखिए कौन सा कलर मिल गया हमें, ग्रीन। येलो ब्लू पैरेट सा कलर, पैरेट कलर। इस तरह ही जब हम रेड और ब्लू को मिक्स करेंगे तो देखते हैं कौन सा कलर बनता है, देखिए आप, ब्लू और रेड। ये हमें मिलेगा गाइस पर्पल कलर।
ऐसे ही हम प्राइमरी कलर में से सेकेंडरी कलर्स हमें मिलते हैं। मेन थ्री प्राइमरी कलर्स ही होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। इन तीनों में से आगे हमारे सिक्स कलर्स मिलते हैं हमें सेकेंडरी कलर्स। ये देखिए, अगर इसको और थोड़ा लाइट करना है तो इसमें थोड़ा सा हम और रेड कलर, तो ये हमारे प्राइमरी कलर में से सेकेंडरी कलर्स हमें मिल गए। अब मैं आपको बताती हूँ नेचुरल कलर्स कौन से होते हैं। नेचुरल कलर्स गाइस, ये ब्लैक एंड वाइट, इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो हमें कौन सा कलर मिलता है देखिए आप लोग। जब वाइट ग्रे कलर, वाइट एंड ब्लैक को मिक्स करते हैं तो हमें ग्रे कलर मिलता है। ग्रे कलर और ग्रीन और ब्लू होते हैं कूल कलर्स। तो आज के लिए इतना ही। तो आज गाइस ये मैंने आपको बताया प्राइमरी कलर्स रेड, येलो एंड ब्लू। और जब हम प्राइमरी कलर में से आगे हमें सेकेंडरी कलर मिलेंगे, जब इनके अंदर हम एक दूसरे की मिक्सिंग करते हैं, जैसे रेड में येलो मिक्स करा तो ऑरेंज, और येलो में ब्लू मिक्स करा तो ग्रीन, और ये रेड में ब्लू मिक्स करा तो ये पर्पल या थोड़ा सा ब्राउन सी शेड भी आ रही है। इसमें हम थोड़ा सा वाइट का टच देंगे, वैसे वैसे कलर्स आगे निकलेंगे। और ये हमारे नेचुरल कलर हैं ब्लैक एंड वाइट, और ये होते हैं बाकी सारे अपोजिट कलर्स। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना, और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करना। और मिलती हूँ आगे और वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।